नमस्कार दोस्तों, हमारे शरीर में प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है जो हमें नुकसानदेह विषाणुओं और जीवाणुओं से हमारा बचाव करती है। इसे ही रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी कहा जाता है। लेकिन आजकल अस्वस्थ खान पान और खराब जीवन शैली के कारण लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और फिर वे कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे आप हल्दी का सेवन करके कुछ ही दिनों में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेज़ी से मजबूत करने के लिए हल्दी का सेवन सही तरीके से कैसे किया जाना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले एक चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी अदरक को थोड़ी सी पानी में उबाल कर जब अच्छी तरह ठंडी हो जाए तब रोज़ाना इसको खाली पेट सेवन करें। दोस्तों, अगर आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें थोड़ा सा हनी भी मिला सकते हैं। दोस्तों, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होने के कारण ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेज़ी से बढ़ाने में मददगार होता है। अगर आप तेज़ी से अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो इस असरदार नुस्खे को एक बार आजमा कर ज़रूर देखें। आपको कुछ ही दिनों में अपने शरीर में फ़र्क नज़र आने लगेगा। दोस्तों, अदरक भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। दोस्तों, अगर आप हल्दी पाउडर की जगह कच्ची हल्दी का प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।